तो आने वाली पीढ़ी हम आत्माओं से वरदान लेंगे। कोई शरीर के साथ आएगा, कोई बिना शरीर के साथ आएगा, उनको हमें सकाश देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी से अभ्यास कर रही हूं तब कि आंखों से किरणें निकल रही है, मस्तक से किरणें निकल रहा है, करो, आंखों से किरणें निकल रही है, मस्तक से किरणें निकल रहा है, हाथ से किरणें निकल रही है। पहले जमाने की बात बताता हूं, एक छोटा सा अनुभव है। एक बार हनुमान जी धरती छोड़ के चले गए, कहा, अरे हनुमान गए, आप नहीं गए, आप बैठे हो, सलाम। हनुमान छोड़ के चले गए शिव जी के पास, जो दुनिया में भगवान मानते हैं, शिव जी वाला शंकर मानते, शंकर तो भगवान नहीं, शिव और शंकर में कितना अंतर। तो इसी तरीके से वो शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी ने कहा, भाई तुम धरती छोड़ के क्यों आ गए, तुम्हारी इतनी पूजा पाठ हो रहा है। बोला, भगवान जी मुझे अभी नहीं लेना है। हुआ क्या, बस पूछो मत, मुझे नहीं लेना है। अरे बोलो तो सही, बच्चा जब नाराज हो जाता है तो बाप कितने प्यार से समझाता है, समझाता है या नहीं, समझाता है ना। तो आने वाली पीढ़ी कोई क्रोध करने वाले आएंगे, कोई गुस्सा करने वाले आएंगे, आपको डरना है या प्यार से समझाना है। तो हनुमान जी को भी ऐसे ही शिव जी ने बड़े प्यार से समझाया, भाई ऐसे करो, तुम जाओ, तुम्हारी भक्ति इंतजार करें। आखिर कारण क्या हुआ बताओ। उन्होंने कहा ऐसा है, पहले जमाने में कितना अच्छा था, पहले देखो बच्चा कैसे बात कर रहा है, सुनो, पहले जमाने में भक्त जो भक्ति करते थे बहुत अच्छा पास हो गए, कोई भी माता उधर नहीं गए, कितना अच्छा पाली होता था, ठीक से बजा ना। तो पहले जमाने में भक्ति होती थी तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, नीचे आके सो जाते थे, इतनी भक्ति मन से याद करते थे, लेट के हनुमान के पैर के नीचे। वो समय बीत गया, धीरे धीरे गुठली पर बैठ के ऐसे करने लगे, अब कौन सोता है। फिर धीरे धीरे बैठ गुठने भी टेकना छोड़ दिया, अभी खड़े होके, हाँ या ना। हनुमान ने कहा ये सब ठीक था, लेकिन अभी समय की बात बताओ, कुछ दिन की बात, मैं मंदिर में था और उधर से कुछ बहने जा रहे थे कलेज, जाते समय कहते हैं हाय हनुमान। अब कुछ किरणें नहीं है हमारी, काट लगाते हैं, अभी हमारे पास किरणें हैं, है ना। फिर से वो शक्ति वरदान देने के लिए। तो ये तो हंसी की बात सुनाया, वास्तव में भक्ति की भी इतनी गिरावट आ चुकी है नहीं? लेकिन कितनी बढ़ गई भक्ति। पहले तो उड़ीसा बंगाल में मूर्तियों की पूजा ज्यादा होती थी, आज विदेशों में, इंडिया तो छोड़ो चारों तरफ चलने में, विदेशों में भी इतनी भक्ति। और भक्ति कैसे करते हैं, बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चे देखोगे, हमने भी बचपन में खेला है, मिट्टी में मूर्ति बनाते थे, तोड़ देते थे, हाँ या ना। तो यहाँ भी क्या करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भक्ति परंपरा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो चरित्र ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि भक्ति करो, लेकिन कौन सी भक्ति, सच्ची भक्ति जो परमात्मा को याद करता है दिल से कि मैं एक आत्मा हूं, मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, सुखी हुई आत्मा हूं, सुखी हुई, खिली हुई आत्मा हूं। ये जो अनुभव है आत्मा की अनुभव आप दूसरों को देंगे, आपकी एहसास आपकी आंखों से, आपके मस्तक से, आपकी वाइब्रेशन से उसको अनुभव होगा,
आपकी गोर से अनुभव होगा कि मैंने खुद अनुभव किया कि मैं एक आत्मा हूं। दुनिया तो अभी भी सर्च कर रही है आत्मा है या नहीं। जिसको भी पूछो कौन हो तो अपने नाम बताता है, लेकिन क्या हमारी आत्मिक स्मृति कि मैं एक आत्मा हूं ये हमारी रोम रोम में समा गई है। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, बोलो मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं।